that much. सही है रिपोर्ट के चल पड़ा सारे भाई राम राम भाई, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। पेज की थोड़ी रिच थोड़ी कम है, जितने भाई वीडियो देखने लग रहे हैं भाई, तो मैं आज दुष्यंत चौटाला आना था नानुंद के अंदर भाई, उसके तो पैट के फिल्टर तो आंदा को नहीं। सारे के सारे सरकार ये बार बार प्रूफ गंडे करे जाओ, फलाना होगा डिमका होगा, ये आज तक हमारे साथ से किसान साथ दे लिया हमने, कौन सा कड़िया भी ना आए ना कड़िया टेम लग गया आज तक ना ही ना कदे टेम लागे, क्योंकि जो हमने गुलामी जो एक्सेप्ट कर रहे ना, जो हम गुलामी जो करने लग रहे हैं नेताओं की, नेता ही गुलामी कौन सी भाई, कदे कौन सी पार्टी के झंडे ठहलिए, कदे कौन सी पार्टी के झंडे ठहलिए, कदे कौन सी पार्टी के झंडे ठहलिए। मामना हमारी कौम के, मामना हमारे बुजुर्गों के, मामने के नाम लिया करें, हमारे जो साधत दे रखी, जो हमारी किसान कौम ने दे रखी, जो पिछले 70-80 साल तक जो दंदे आ रहे हैं, मामने कदे उनके झंडे ठाए को नहीं। आज फांग लाग रहे हैं, आज झगड़ा का लाग रहे हैं, आज आम आदमी पार्टी बढ़ी, आम आदमी पार्टी तो किबरा के कर देगी, या बदलाव करे कुआ बीजेपी, बदलाव करे कुआ कांग्रेस, बदलाव करे कुआ इनेलो, बदलाव करे कुआ जेजेपी, बदलाव करे, बदलाव का नाम को हमने आज तक पैंगण नहीं मिले, ना कदे जिंदगी मिले, क्योंकि हमने जो इन पार्टियां जो झंडे ठहरे गए हैं ना एक दूसरा से अलग अलग एंड कहने, तो भाई ये बड़ी चीज हानिकारक है। आज तो भाई हमारे 80-90 साल के गांव के बारह के और भाई पूरा हरियाणा के काके ताऊ खड़े हैं। आज दूसरी चौटाला नानुंद के अंदर आना था, वो भाई साहब तो आए को नहीं, उसकी जगह जड़ा उसने आना था, पूरी हरियाणा की पूरी किसान को मारी। तो भाई जो से लटूर भाई अंडे हैं भाई, इनते भी एक छोटी विनती है, तारे 80-90 साल के बुजुर्ग जो से धरना में भी यही दिखा कर दे, सारी जगह यही दिखा कर दे, सारे 1% भाई होंगे जो भाई इन चीजा में सक्रिय है। नहीं मेरे भाई तो कही तो टीमें को लगता, तो भाई आज छोटे गए थोड़ी ही ये चीजें, और भाई देख लियो तो हमने चाहिए के है, तारी आने वाली नस्लें तो हम बचानी एक नहीं बचानी है। तो भाई आज मैं मिलवाता हूँ भाई शुरू दंत बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं अपना भाई, ये प्रदीप दंत खड़ोर भाई, इनकी टीम है भाई, ये पंजाब है, और भाई अपना पूछा था जो शुरू है दंत, ये वो क्रांतिकारी है, वो मूर्त है भाई, जिनको पूछा ही कौन गया आज तक भी। किसान का नाम पर सम्मान समारोह, सम्मान समारोह क्यों है, क्योंकि मैं हमने तो मिले है गुणवत्ती जो चावा थे। हाँ भाई हमारी लड़ाई इसकी थी MSP की, इस MSP की लड़ाई थी, या लड़िए को नहीं गई। हाँ भाई आधे में ठह दिए गए, नहीं नहीं उनको नेता बनने की लाग रही थी भाई, के नाम नेता बन जो, नेता बन जो, नेता बन जो, नेता किस वेस पे बनोगे मैं तुम्हें बता दो, क्योंकि जो लड़ाई मैं मधुरी छोड़ के आ रहे हैं, जो हम टुकड़े जो लड़ाई लड़ लग रहे हैं, एक नो काले का वापिस करा दी, कौन सा तीर मार दिया, एक साल रह गया भाई, हर एक आदमी की पहचान है, मतलब कौन कितने कितने दिन रह गया, जमा एक मिनट एक एक मिनट। तो भाई यो अपना भाई प्रदीप दंत खड़ जो शुरुआत अंत है बॉर्डर के ऊपर, आज भी बॉर्डर के ऊपर बैठा है, ना तो इस भाई ने कोई नेता पूछता ना कड़िया, इन्होंने से भाई ये फेक समान समारोह, और वही 20 आदमी सारे समान समारोह हम पाव है। तो भाई सरुदन तक बैठे हैं बेचारे, और भाई बेचारे के असली योद्धा तो ये हैं, हमारे वर्ग नथिंग है जो एक के साथ में बैठ लिए भाई, आज भी MSP के लड़ाई लग रहे हैं। मेरे किसान कौम का हाथ पैर जोड़ के विनती करूं भाई, इनका साथ दे दो, अगर जो MSP अगर जो देश के अंदर लागू होगी, तो हमने को मुआवजा की कदे पानी की कदे टुकड़े की लड़ाई को लड़नी पड़ेगी, तो हमने असली लड़ाई तारी MSP की है, कानून पानून तो कुछ ना दे भाई, या तो यहाँ सरकार दूसरी लै देगी, तीसरी आऊगी, चौथी लै देगी, या टुकड़े की लड़ाई छोड़ के असली लड़ाई लड़ ले, तो दो लड़ाई है MSP और स्वामीनाथन की रिपोर्ट, जिस दिन MSP मिल गई उस दिन भी तो हमने की मे भी ये टुकड़े लड़ाई लड़ने की जरूरत को नहीं। तो भाई सारे बड़ी बात ये एक बार देख लियो भाई बुजुर्ग ने, हमने कहा ये जो MSP की कानून की लड़ाई है किसान के जीवन की अहम कड़ी है, अगर MSP कानून नहीं मिला तो किसान और बर्बादी की तरफ जाएगा, और ये नेता तो चाहते ये हैं कि किसान जितना कमजोर हो उतनी राजनीति मजबूती हो, हम ये चाहते हैं कि किसान मजबूत होना चाहिए, राजनीति आने जाने की चीज है, ये नेता होंगे जाओगे लेकिन किसानी मजबूत होनी चाहिए, इसके लिए किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल भाई अपना पंजाब तो भाई सरू जनता MSP का बैठा है, आज भी आंदोलन जा रही बॉर्डर के ऊपर, सिंह बॉर्डर के ऊपर भी, और भाई टिकरी बॉर्डर के ऊपर भी, दनु बॉर्डर के ऊपर आज भी आंदोलन जा रही है, आज भी इस वर्ग के भाई जो बैठे हैं जो मेहनत कर
कर रहे हैं बुटर को ऊपर भाई, भाई ने कहूंगा 200 जी। हमारी जो लड़ाई है ये लड़ाई एमएसपी की है, और एमएसपी देश के किसान और मजदूर का उत्थान है, देश का उत्थान है। जब तक हमें एमएसपी नहीं मिलती हमारा देश विकासशील ही रहेगा। जब एमएसपी मिल गई तो हमारा देश विकसित की ओर जाएगा। और दूसरी बड़ी बात है WTO जो 164 लोग ऊपर बैठे हैं, अमेरिका ने अपने आप को इससे अलग रखा है, ताकि इसका WTO का एक ही मकसद है कि भारत के जो कृषि उत्पादन है उसके उत्पादों को कम करना, वो कमी करना उत्पादन में। और ये हमारे को जकड़े हुए है, और पूरे किसान नेता भी हमारे को MSP दिलाने में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, थोड़े से पीछे रहे हैं क्योंकि उनको चुनाव का बहुत ज्यादा चौथा था, और चुनाव में मुख्यमंत्री बनके देखो क्या हुआ, क्या हुआ। और सबसे बड़ी बात है बबलू भाई, सरकार तो बदलगी लेकिन किसान का भाग्य नहीं बदला, अभी भी किसान के भाग्य में सिवाय लठ के सिवा कुछ नहीं है। अभी लाठीचार्ज हुआ नई सरकार बदलने के बाद, आम आदमी पार्टी ने कर दिया नया नया लाठीचार्ज कर, सत्ता जब तक माम सत्ता प्रवृत्ति नहीं जब तक लड़ाई लड़ दे रहे मामिया गुलामी की जिंदगी जिंदे रहा हूँ भाई। व्यवस्था परिवर्तन जिस दिन मामला लड़ाई छेड़ दी उस दिन भाई असली में आजाद उस दिन होंगे, जिस दिन व्यवस्था परिवर्तन का जो क्रांति उसका आगाज हो चुका है। और सरकार को ये चताया जा रहा है अगर आपने अपने आप में सुधार नहीं किया तो क्रांति होगी और व्यवस्था परिवर्तन होगी, ये इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा इस चीज का। यो भाई भाई अपना कुत्ता है सरुदंत बैठा बॉर्डर के ऊपर, आज भी आड़ के नाम लिया कर जो खेड़ी चुपटा जो धरना चल रहा है भाई, दिन रात चाह की पानी की रोटियां की जबरदस्त सेवा दे रहा है भाई, सलूट करूंगा भाई। बबलू ये तो हमारा कर्तव्य है, जब जब हमें किसान कौम के लिए काम करने का मौका मिलेगा हम तय दिन से करते रहेंगे, आगे भी किया और टिकरी बॉर्डर पर भी लगातार 13 महीने रहे, यहाँ पर भी 20 दिन से लगातार है, और अब यहाँ पर नारनौंद की नाच मंडी के अंदर भी हम किसानों की सेवा के लिए अपने अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक सांस में सांस रहेगा और जब तक शरीर में खून है तब तक किसान कौम के लिए। किसान एकता, किसान एकता। ये भाई अपना गांव के बुजुर्ग भाई अपना, ये भाई अपना बारा के खाप के हरियाणा के सारे के सारी सारी किसान को माज भाई के नाम लिया करें। फिल्टर पाड़ उसके सरकार के तो पैड़े दिए फिल्टर उसके खुशियंत के, तो बाकी आज फिल्टर पाड़ रैली होगी भाई, जनसंख्या पूरा हरियाणा में पूरा हरियाणा किसान लग रहा है। हमने कहा सरकार जो हमारे किसान और आगे संदेश दो भाई, एक बार थोड़ा जो यह अधूरी जो लड़ाई छोड़ गया रहे ना, इसके लिए युवा शक्ति ने आगे आना होगा और तमाम उसको ये ध्यान में रखना होगा, जितने दौड़े पैर का हुए इन परहेज करो और किसान ना परहेज करो, किसान जो मजबूत करनी होगी। तो भाई सारे भाई राम राम, और भाई के नाम दिया कर जो MSP की वोटर ऊपर लड़ाई चल रही है आज भी, इसने ज्यादा ज्यादा शेयर करियो भाई, लोग बताने की कोशिश करियो, जो भाई ना जानता हो भाई गणित तो इनकी बेचारे की थोड़ी साफ पानी की रोटी पानी की सेवाएं कराया करो। तो भाई हाथ जोड़ के विनती है क्योंकि बात कौम को ऊपर है रही है, तो भाई आज दुष्यंत के पैट लिए फिल्टर तो अंधा को नहीं, हमारी पूरी किसान कौम हरियाणा का बच्चा बच्चा भाई बुढ़ी हमारी ताई काकी ताऊ सबके में आ रहा है भाई। सारे भाई राम राम, जय हिंद जय भारत जय जवान जय किसान।